Today we are discussing NCERT MATHS exercise 2.1, name polynomial. Our first exercise is related to the zeros. Apna jo first sum hai, the graph of y is equal to px are the given below. For some polynomials px, find the number of zeros of px. We have to find zeros of the given polynomial using the ग्राफ्स. तो यहां पर हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, इनके सहारे हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द जीरोस, जीरो और जीरोस, सिंगुलर और प्लूरल. तो यहां पर हम देखेंगे द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज डिफाइंड एज एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल बिकम जीरो. एक्स की कोई भी वैल्यू हम ले जिससे कि वह पॉलीनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो उसको हम जीरो बोलते हैं. लेट अस सपोज x माइनस 5, हियर वी पुट x इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. हेंस दिस 5 इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल. और यहां कुछ और बात समझने वाली यहां पर ये है कि जैसे हमने कल सीखा था अपने प्रीवियस लेसन के अंदर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, हियर द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 1, देन नंबर ऑफ जीरोस इज आल्सो 1. तो इन द सेम वे इफ द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 2, इज 2, देन नंबर ऑफ जीरो इज आल्सो 2. जितनी जिस उस पॉलीनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे. अगर 3 है तो जीरोज भी 3 होंगे, 4 है तो जीरोज भी 4 होंगे. अगर डिग्री उसकी n है तो नंबर ऑफ पॉलीनोमियल भी कितने होंगे, n होंगे. लेकिन हम यहां पर क्या सीख रहे हैं, हम यहां पर यूजिंग द ग्राफ हम सीख रहे हैं. इस ग्राफ के अंदर इस जो पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है उसके जीरोस कितने हैं, यहां पर जीरोस कितने हैं, यहां पर जीरोस कितने हैं, यहां पर जीरोस कितने हैं. तो ये हमारी एक्सरसाइज के जो सम्स हैं वो यहां पर हमने ग्राफ की बजाय ऐसे शो किया हुआ है. तो हम देखेंगे इसका एक छोटी सी बात हमने ध्यान रखनी है, जो ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटता है, इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, द नंबर ऑफ प्लेसेस. यहां पर देखिए एक्स एक्सिस तो यहां पर है और यहां पर ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो व्हाट इट मींस, नंबर ऑफ जीरोस आर 0. सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे. अब आते हैं अपन सेकंड सम के ऊपर. सेकंड सम हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ है, जो गिवन पॉलीनोमियल है उसका जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है, बना हुआ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सम है जो ग्राफ का ही है, जो हमारा सम है वो ग्राफ का है. तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पर, तो देन नंबर ऑफ जीरोस आर ओनली 1. ये हमारा नेक्स्ट सम था. इससे नेक्स्ट जो हम फोर्थ जो सम है एनसीईआरटी की बुक में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. आप यहां पर देख रहे हैं ये हमारा ग्राफ, आप देख रहे हो इसके ऊपर ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट रहा है, एक, ये कितनी जगह पर हो गया, 2, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 2. इन द सेम वे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, यहां पर कितनी जगह पर कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4. तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जो ग्राफ है पॉलीनोमियल का वो चार जगह पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 4. मेरे ख्याल में बहुत ही आसान भाषा में आपको इन सब की जानकारी होगी होगी. आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, जो बाकी बचे हुए जो आपके सम है वो भी हो जाएंगे. तो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द ग्राफ. तो आप इस किस से संबंधित फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पता कर सकते हैं.